हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी और यांत्रिक के रिगार्डिंग मैथ्स स्पेशल के प्रैक्टिस सेट नंबर 4th को। इससे पहले हमने आपके लिए तीन और भी प्रैक्टिस सेट्स को दिया है, तो जिन लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि आपके एग्जामिनेशन नज़दीक आ चुके हैं, सो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आपको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको समय रहते अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस हो जाएं, और जो भी आपने अभी तक पढ़ लिया है उन सभी को साथ ही साथ रिवाइज करते चलना है और किसी भी एक टेस्ट सीरीज को जरूर आपको लगाना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अपने इस वीडियोज़ की ओर। और इस वीडियो में बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अनअकैडमी के द्वारा जो भी स्टूडेंट्स अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन अभी तक नहीं लिए हैं तो वो जरूर ले लें, क्योंकि डिफेंस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग अनअकैडमी के प्राइस राइज होने वाले हैं, और आप जितना ज़्यादा हो सके जितना जल्दी हो सके आप इसको ले सकते हैं। और इसको सब्सक्राइब करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, आप जाइए NDA और CDS जिस भी एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिंक पर क्लिक कीजिए और देन फिर जाकर उसको आप इनरोल कीजिए। और इनरोल करते समय आप कैपिटल लेटर में DTN डिफेंस ट्यूटर N यानी DTN10 लगाइए, तो आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो प्राइस राइज होने वाला है, तो जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा हो सके आप अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, नहीं तो बाद में आपको इसका प्राइस 10% इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, और आपको बताते हैं यहाँ पे कि देख सकते हैं कि ये जो प्राइस NDA का है अनअकैडमी का, तो NDA के रिगार्डिंग आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 6 मंथ सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको SSP का प्लस सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलेगा। साथ ही साथ 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे आपको 12 मंथ का SSP सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, जो कि आप कह सकते हैं कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि जनरली आपको SSB के लिए अलग से प्रिपरेशन करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्या आपको सब कुछ एक साथ मिल रहा है। उसी प्रकार आपका CDS, FCAT और CAPF के रिगार्डिंग भी यही आपका कि 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करेंगे तो 3 मंथ का आपको सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको यहाँ पे SSB प्लस मिलेगा फ्री, फिर 6 मंथ के साथ 6 मंथ SSB भी मिलेगा आपको फ्री में, फिर 12th मंथ के साथ 12th मंथ का सब्सक्रिप्शन फिर प्लस SSB आपको फ्री मिलेगा। ठीक है, तो जाकर आप सभी लोग इनरोल करें, और इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं, सिंपली लिंक पर क्लिक करना है, इनरोल पर जाना है और उसको इनरोल करना है, और इनरोल करते दौरान कैपिटल लेटर में DTN10 डालना है जिससे कि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। ठीक है, और आपको बता दें कि NDA 1 2022 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी आपके लिए लॉन्च किया गया है, जो कि ये मॉक टेस्ट बिल्कुल आपका फ्री है। आपको सिंपली क्या करना है इस मॉक टेस्ट को देने के लिए आप सिंपली QR कोड को स्कैन करना है। QR कोड को स्कैन करेंगे तो आपको साइट पर चले जाएंगे, अनअकैडमी के साइट पर जाने के बाद वहाँ पर इनरोल नाउ का ऑप्शन होगा, इनरोल नाउ पर क्लिक करेंगे, देन फिर आपको क्या करना पड़ेगा, कोड डालना पड़ेगा, कौन सा कोड, DTN10 का कोड डालना होगा, देन फिर आप इस टेस्ट को फ्री में दे सकते हैं। आपको क्या करना है, सिंपली QR कोड स्कैन करना है, कोड डालना है और आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है टेस्ट। आपको इसमें फ़ायदा क्या है टेस्ट को देने का, तो यहाँ पे आपको 20 लाख तक प्राइस जीतने का मौका मिल सकता है, फिर साथ ही साथ आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। ठीक है, तो आप जाइए इस टेस्ट को जरूर दीजिए NDA 1 2022 के रिगार्डिंग। साथ ही साथ जो स्टूडेंट CDS 1 2022 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी यही करना है, सिंपली उनको भी QR कोड स्कैन करना है, फिर QR कोड स्कैन करने के बाद कोड जरूर डालिए, बिल्कुल कोड डालिए, कोड नहीं डालिएगा तो आपको वहाँ पे टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। कोड डालना है DTN10, देन फिर आपको वहाँ पे इस टेस्ट को जाकर देना है। यहाँ पे भी आपको 20 लाख का प्राइज मिलेगा और साथ ही साथ आपका 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। ठीक है, तो जाइए और जाकर सभी स्टूडेंट्स को दीजिए। साथ ही साथ NDA आपके लिए NDA टारगेट बैच NDA 1 का निकला है, NDA 2022, जो कि आपकी एग्जामिनेशन जल्द ही आपके अप्रैल में होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग आपका ये बैच 16 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 5 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ ही साथ MCQ करवाए जाएंगे सभी अच्छे अच्छे टॉप फैकल्टी के साथ। ठीक है, तो जो भी NDA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जरूर जाकर इस बैचेस को लें। ठीक है, और यहाँ पे उसी तरह फाइनल परीक्षा CDS के रिगार्डिंग भी आपका ये 16 मार्च से बैच स्टार्ट है, ये PYQ और MCQ आपका स्कोर बूस्टर ये आपका कह सकते हैं कि बैच है, और ये डेफिनेट तौर पे आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सभी जाने माने अच्छे फैकल्टी यहाँ पे पढ़ाते हैं। ठीक है, तो जाकर आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने इस वीडियोज़ की ओर, जो कि हम इस वीडियोज़ में आपको बताने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट अभी कोस्ट गार्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कोस्ट गार्ड की तरफ फोकस होइए और देन फिर आप NDA की तरफ फोकस होइए। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पहला क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि AQ + BQ = 0, देन AQ + BQ = आपको 0 दिया जा रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा रिलेशन इसके रिगार्डिंग करेक्ट होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है कि हमें अगर AQ + BQ = 0 दिया जा रहा है तो यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं, AQ + BQ का फॉर्मूला होता है क्या होता है, A + B में (a²+b²-ab=0) यही होता है ना फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। देन फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ पे जब ये दोनों टर्म हमारा 0 हो सकता है तो इसका मतलब यह हुआ कि आइदर हमारा A + B = 0 होगा एंड क्या होगा A²+B²-ab = 0 होगा, या तो यह 0 होगा या तो यह 0 होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो अब इनमें से देखना है कि आखिर इनमें से 0 कौन सा है, तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से करेक्ट करके लिखना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे A और B जो क्या है आपके, वो आपके पॉजिटिव है। ठीक है, A और B क्या आपके पॉजिटिव है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको अगर 0 के बराबर करेंगे तो आपको मिलेगा
ए इक्वल टू माइनस बी, ठीक है, ए इक्वल टू माइनस बी, तो ये हमारा, हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा पॉसिबल नहीं है, हम किसको लेंगे, फिर हम इसको लेंगे, ठीक है। जब हम इसको उठाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी के, इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो हमारा इसका फॉर्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये फॉर्मूला लगेगा सिंपल। इसको जब आप तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, प्लस टू ए बी आएगा और ये माइनस टू ए बी कट जाएगा, तो पहले की तरह आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये बराबर होगा हमारा किसके, ए इंटू बी के। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको सिंपली कह सकते हैं कि अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाना है आपको। तो यहाँ पे हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर हो गया, ए टू बी को हम राइट साइड बुला लेंगे तो थ्री ए बी के बराबर हो जाएगा। तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, रूट अंडर थ्री ए इंटू बी हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, इसका आंसर हो गया। तो इसका आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको अच्छे से फॉर्मूला को लगाने आना था, ठीक है। नंबर टू क्वेश्चन में लिखा जा रहा है कि इफ़, यानी यदि रूट 32 प्लस रूट 48 बटे रूट 8 प्लस रूट एक्स का वैल्यू 2 के बराबर दिया जा रहा है, तो आपको एक्स का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्स का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल है, यहाँ पे 32 जो है हम इसको लिख सकते हैं कि 16 गुना 2 क्या होता है हमारा, 32 आता है, और 16 का रूट क्या होता है, 4 आता है, तो इसको हम 4 रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 48 को क्या लिख सकते हैं, 48 को लिख सकते हैं 16 गुने 3, ठीक है, 16 दो 32, अच्छा ठीक है, 4 4 16 इंटू 3 लिख सकते हैं क्या, 6 3 जा कितना होगा, 18, और 3 3 4, ठीक है, तो आपका 48 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16 रूट 3 लिखेंगे, यानी आपका 4 रूट 3 लिखेंगे। जैसे 16 रूट है इंटू में रूट 3 लिखेंगे, तो 16 का रूट क्या आ जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा ना, तो 4 रूट 3 लिखेंगे, ठीक है। अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, इसका 2 रूट 2 हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा आपका रूट एक्स, सिंपल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रूट 2 प्लस 4 रूट 3 इक्वल टू 4 रूट 2 प्लस 2 रूट एक्स, कि 4 रूट से आपका 4 रूट कट गया, 2 रूट एक्स जो हो गया वो बराबर हो गया 4 रूट 3 के, ये 2 से आपका 2 टाइम्स कट गया, रूट एक्स हमारा बराबर हो गया 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 के, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 2 रूट 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 इंटू 3, यानी आपका 12, यानी एक्स इक्वल टू क्या निकल गया आपको, 12 निकल गया। आंसर मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर थर्ड क्वेश्चन है। नंबर थर्ड में लिखा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम एज 50 डिवाइडेड 12, ठीक है, इनमें से कौन सा जो है वो 50 डिवाइडेड 12 के बराबर है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सभी को चेक करके देखना है। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये आपको कह सकते हैं आपके कैलकुलेशन के, कह सकते हैं कि ईरर को चेक करने के लिए दिया जाता है, या फिर आपके जो जितना आपका कह सकते हैं कि फास्ट कैलकुलेशन है उसके लिए दिया जाता है। तो आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को चेक करना है, हमने यहाँ पे चेक करके रखा है, इस कारण से आपको सिंपली पहले बता देते हैं कि आंसर इसका जो है वो ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी को आप चेक करेंगे तो देखिए, ये 50 बटे हमारा 12 आता है, इसका मतलब 50 डिवाइडेड 12 का मतलब क्या होता है, 50 बाई 12 होता है ना, उसी प्रकार से अगर हम इसको चेक करेंगे तो 50 डिवाइडेड 12 यानी 50 बाई 4, और इसको डिवाइड 3 है यानी 1 बाई 3, क्या हो जाएगा आपका 1 बाई 3, यानी इसके इंटू में 1 बाई 3 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 12 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों और ये आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर फोर्थ क्वेश्चन है। नंबर फोर्थ में आपसे लिखा जा रहा है कि इफ़, यानी यदि 46² - 44² = 45 × p, तो आपसे p का वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं हम, यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाने वाले। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, वो होता है आपका ए प्लस बी और दूसरा होता है ए माइनस बी, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा हमारा, 45 × p के बराबर होगा, समझ रहे हैं। 46 × 44 कितना होता है, 46 × 44 आपका होता है ये 4 4 कितना होता है, 80 और ये 6 4 10 यानी 90 × में, और ये घट गया कितना होगा आपका, 2 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया, 45 × p, ये 45 है जो 90 है आपका, ये 2 टाइम्स कर जाएगा, ठीक है। तो p इक्वल टू कितना हो गया हमारा, 4 हो गया, तो p इक्वल 4, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको कभी भी आप स्क्वायरिंग नहीं करने लगेगा घटाने के लिए, आप फॉर्मूला को लगा कर बनाइए, आपको डेफिनेट तौर पर समय कम लगेगा। नंबर फिफ्थ क्वेश्चन पर देखिएगा, नंबर फिफ्थ क्वेश्चन में क्या लिखा जा रहा है कि 0.538 × 0.538 - 0.462 × 0.462, ठीक है। आपको इसका वैल्यू आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है, अपॉन 1 - 0.924 है, ठीक है। इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे भी हम थोड़ा सा फॉर्मूला को ही अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली इसको बनाने नहीं लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन को देखेंगे, देन फिर फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या हमारा इसमें कोई भी अलजेब्रा का फॉर्मूला लग पा रहा है या फिर नहीं लग पा रहा है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो फॉर्मूला है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, वो इसमें लगेगा। देखिए कैसे, आप देख सकते हैं कि पहला में हमारा 0.538 का 2 बार लिखा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.538 का होल स्क्वायर माइनस में, इसको लिख सकते हैं 0.462 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 1 - 0.924, ठीक है, 1 - 0.924, इसका घटाएंगे तो वैल्यू आएगा हमारा कितना, 0.076 के आसपास, ठीक है, 0.076 के आसपास, ठीक है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हो गया आपका, ये एक स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे हो गया, तो यहाँ पे डालेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 0.3538 + 0.462
फिर साथ में इंटू में 0.538 माइनस में 0.462, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा आपका 0.076। इसको ऊपर वाले को कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर है, ठीक है। चलिए ये नेक्स्ट पेज में हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जो पहले वाला है ये वैल्यू, इसको अगर ऐड करेंगे तो ये 8 2 10 हो जाएगा और 6 3 9 1 10 और 5 4 9, और ये मिला के आपका टोटल 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 1 हो गया, इनटू में इसको आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा वैल्यू कितना, इसका वैल्यू सब्सट्रैक्ट करने पे आपको मिलेगा 0.076 मिल जाएगा, ठीक है, 0.076 मिल जाएगा। और नीचे पहले से ही हमारा 0.076 है, ये आपका ऊपर वाले वैल्यू से कट जाएगा, इसका आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, सॉरी इसका आंसर आएगा आपका 1, तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका क्या है, नंबर 6 क्वेश्चन का है। नंबर 6 में लिखा जा रहा है कि ए इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस रूट अंडर 9 अपॉन सी, तो आपको सी इज इक्वल टू पूछा जा रहा है, यानी सी किसके बराबर होगा। तो ए इक्वल टू क्या है आपका बी स्क्वायर प्लस में रूट अंडर 9 अपॉन सी है। हम क्या करते हैं, बी स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड बुला लेते हैं, तो ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 9 अपॉन सी, ठीक है। तो यहाँ से हमारा दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सॉरी बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 अपॉन सी, तो सी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9 अपॉन ए माइनस बी स्क्वायर, क्या क्या होगा आपका होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा हमारा सी का वैल्यू आ जाएगा। कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, कोई ऐसा ऑप्शन है, देखिए तो ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, तो सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये बिल्कुल लल्लू वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ आपको 300 इंटू में 0.75 पूछा जा रहा है, तो इसका वर्गमूल क्या होगा, स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल होता है, यानी आपका सिंपल रूट अंडर 300 इंटू 7.5, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इसको 300 इंटू में 75/10, ये एक जीरो से आपका एक जीरो कट गया, ये आपका हो गया 3 गुने, और अब इसको लिख सकते हैं 75 गुने 10, ऐसा लिख सकते हैं आप क्या। चलिए इसको क्या करेंगे, फर्दर आगे हम तोड़ेंगे तो 3 को 3 रहने देंगे और 75 को लिखेंगे 25 गुने 3, और 10 को क्या रहने देंगे 10 रहने देंगे। तो ये 2 बार 3 हमारा 1 3 बाहर आ जाएगा, एक सेकेंड, ठीक है। तो 3 क्या हो गया आपका बाहर आ जाएगा, आपका 2 बार 3 है रूट अंडर से बाहर आ जाएगा, फिर 5 आपका 25 जो है इसका 5 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 10, तो आपका वैल्यू हो जाएगा 5 3 15 रूट अंडर 10। एक काम करते हैं, 15 रूट अंडर 10 तो कोई मैच नहीं कर रहा है, तो एक काम कीजिए कि आप इसको क्या कीजिए कि ऊपर नीचे रूट 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो रूट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा हमारा 150 और नीचे हो जाएगा रूट अंडर 10, ठीक है। और 150 को आप क्या लिख सकते हैं, 150 को आप लिखेगा 30 गुने 5 अपॉन रूट अंडर 10, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 को हम लिखेंगे रूट अंडर 25, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, मतलब ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है, यानी जो आपका ऑप्शन है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, क्या है कि आपका ऑप्शन कंफ्यूजिंग वाला ऑप्शन है, डायरेक्टली ऑप्शन नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा इसके टर्म में लाने का प्रयास करना पड़ेगा, नहीं तो उससे भी नहीं होगा, तो आप इसको तोड़कर या फिर किसी भी ऑप्शन जो है आप उसको तोड़कर कोशिश कीजिएगा कि हमारा ये जो आंसर है उसके टर्म में हम ला दें। तो ये आपका हो गया 30 इंटू 5 अपॉन रूट 10, वैल्यू हो गया 30 इंटू 5 अपॉन रूट 10, और यहाँ जो आंसर है हमारा ये आपका समथिंग पावर पे है, आप देख सकते हैं ये जो 2.5 है उस पर पावर 1/2 है। तो हम एक काम करते हैं, ये जो 5 है इसको रूट अंडर 25 कर देते हैं और नीचे उसको रूट अंडर 10 रहने देते हैं, ठीक है। तो ये 30 हो गया इंटू में रूट अंडर 25 अपॉन 10 हो गया, तो ये 25 अपॉन 10 को 2.5 का रूट हो गया, और ये बराबर हो गया हमारा, सॉरी ये साथ में हो गया हमारा 30 का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये हो गया 2.5, और रूट को आप 1/2 भी लिख सकते हैं पावर में, और इंटू में क्या है हमारा 30 है। तो ये आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो पेचीदा ऑप्शन है, ऑप्शन थोड़ा कैलकुलेटिव है, दूसरा कुछ नहीं है, नहीं तो सिंपल आप सोचने वाला बात है कि यहाँ जो स्क्वायर रूट है इसको इतना ईजी क्वेश्चन देने का मतलब क्या होगा। इतना ईजी क्वेश्चन देने का मतलब है कि ऑप्शन में जरूर कुछ ना कुछ आपका बदलाव किया गया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देख के अपने आंसर्स को निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 8th क्वेश्चन। नंबर 8th में क्या लिखा जा रहा है, नंबर 8th में आपका है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 630, दो नंबर का एलसीएम कितना है 630 दिया जा रहा है, एंड देयर सीएफ इज 9, और उनका सीएफ कितना है आपका 9 है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इफ़ द सम ऑफ द नंबर इज 153, और साथ ही साथ जो नंबर है उनका सम जो है वो 153 के बराबर है, तो देन द रेशियो ऑफ टू नंबर, तो उन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा, ठीक है। चलिए तो आपको बताते हैं कि क्वेश्चन जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे लिखते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि एक फार्मूला होता है LCM इंटू एच सी एफ इक्वल टू कितना होता है, दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM ऑफ द नंबर एंड HCF ऑफ द नंबर, ठीक है। आपने ये पढ़ा होगा, हम मानते हैं कि ये जो नंबर है हमारा A और क्या है आपका B है, हम मानते हैं कि जो हमारा नंबर है वो क्या है A एंड B है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो LCM ऑफ टू नंबर इज 630 एंड HCF इज 9, यानी 630 इंटू 9 इक्वल टू A इंटू B,
ठीक है, यही दिया जा रहा है हमें, इसको हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इफ द सम ऑफ नंबर की 153 और दोनों नंबर का सम जो है यानी ए प्लस बी जो है वो आपके 153 के बराबर है, इसको मानते हैं हम इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, इसके अनुसार हम नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ेंगे तो हमसे पूछा जा रहा है कि उन दोनों नंबर का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो उन दोनों नंबर का रेशियो कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा हमें अगर यदि a प्लस बी निकल चुका है तो हम अगर इसका a माइनस बी निकाल लें और वहाँ से हम क्या कर सकते हैं, जब हमें a माइनस बी निकल जाएगा तो हम सिंपली वहाँ पे अपना सॉल्व करके a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम a माइनस बी निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो a माइनस बी को हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab इंटू में रूट अंडर क्या होगा। साथ ही साथ a इक्वल टू बी का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं, a इक्वल टू बी का हम लिख सकते हैं रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है आपको पता होना चाहिए। जैसे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के बराबर। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें प्लस 2ab कर दे और साथ ही में एक और माइनस 2ab कर दे, क्योंकि ये इससे कट जाएगा और ये हमारा पूरा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा हम क्यों करें उसको देखिएगा, हमने प्लस 2ab कर दिया और माइनस 2ab कर दिया। ठीक है, हम इसको और इसको यानी एक साथ ले लेंगे, तो इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में क्या हो जाएगा हमारा 2ab और 2ab यानी माइनस क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस में 4ab। तो आप देख सकते हैं कि हमारा a माइनस बी का जो होल स्क्वायर है वो बराबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस 4ab के, यहाँ से स्क्वायरिंग हट जाएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा आपका रूट अंडर चला जाएगा। ठीक है, तो यही हमने इसको यहाँ पे लिखा है और ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, आपको बहुत जगह यूज करने के लिए दिखता होगा, बहुत जगह, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पहला बार आप देख रहे होंगे, आपको बहुत जगह ये हमने पहले भी इसका यूज करके दिखाया है और आपको ये आपने भी बहुत जगह अपने कोर्सेस में यूज जरूर किया होगा इसे। ठीक है, तो ये हम फॉर्मूला को यहाँ पर लगाएंगे और यहाँ से हम a माइनस बी का वैल्यू निकालेंगे, तो a माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर a प्लस बी का वैल्यू कितना है 153 का होल स्क्वायर माइनस में 4ab यानी 4ab यानी 4 इंटू 630 इंटू 9 यानी 4 इंटू क्या आपका 4 इंटू 630 इंटू 9। ठीक है, इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना आएगा, आपका वैल्यू आएगा यहाँ पे 23409 माइनस 22680, हमने सॉल्व करके रखा है, आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू होगा रूट अंडर 729, तो a माइनस बी का वैल्यू आ गया हमारा 27 के बराबर। इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या मानते हैं हम, इसे मानते हैं अपना इक्वेशन थर्ड। तो हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड से हम क्या कर सकते हैं, a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी इक्वल टू 153 है और a माइनस बी इक्वल टू कितना है 27। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, b कट हो जाएगा हमारा, तो 2a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 180, तो a इक्वल टू हो जाएगा हमारा 90। जब a इक्वल टू 90 निकल गया तो आप किसी भी एक इक्वेशन में डाल दीजिए, तो b इक्वल टू 153 माइनस 90, तो 153 माइनस 90 यानी 63, तो b का वैल्यू निकल गया 63। आपसे a अपॉन b का रेशियो पूछा जा रहा है तो 90 अपॉन 63 हो जाएगा, तो ये 10 टाइम्स कर जाएगा और ये आपका 7 टाइम्स कर जाएगा। ठीक है, तो a अपॉन b का वैल्यू कितना निकल गया 10 अपॉन 7 निकल गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 10 अपॉन 7, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, 10:7। तो इस तरीके से क्या करेंगे, इनको हम बनाएंगे। यहाँ पे जो मेन काम था हमारा, मेन काम था हमें इस फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए और दूसरा काम था हमें इस फॉर्मूला का यूज अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तब आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे कैलकुलेशन अगर बड़ा दिया जा रहा है, आपको लग रहा है कि सर कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा है, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन दिए जाएंगे इस प्रकार से, तो आपको कैलकुलेशन को जितना हो सके वो आपको शॉर्ट देने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9th की ओर। नंबर 9th में लिखा जा रहा है हमारा क्वेश्चन में है कि अ सम ऑफ मनी डबल इट सेल्फ इन 7 ईयर। ठीक है, एक मनी का सम जो है वो अपने खुद से क्या होता है, वो डबल हो जाता है कितना, 7 साल में। इन हाउ मेनी ईयर्स इट बिकेम 4 टाइम्स, तो कितने सालों में क्या होगा वो 4 गुना हो जाएगा, कितने सालों में वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे बताइए, हम इसको कैसे निकालेंगे। ठीक है तो कैसे बनाएंगे, क्वेश्चंस को फिर से पढ़िएगा। क्वेश्चंस में लिखा जा रहा है कि द सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 7 ईयर। ठीक है, जो आपका धन कोई धनराशि है जिसे कि क्या होता है आपका साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में अपने 2 गुना हो जाता है, यानी 7 वर्ष में अगर उसको हम क्या करें साधारण ब्याज पे दे यानी सिंपल इंटरेस्ट पे देते हैं, तो वो क्या हो जाता है अपने जो उसका प्रिंसिपल अमाउंट होता है उसके 2 गुना हो जाता है। ठीक है, मान लेते हैं उसका प्रिंसिपल अमाउंट यदि p होगा तो बाद में उसका कितना हो जाएगा, वो 2p के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कितने 7 सालों में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में वो 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें समय पता है और प्रिंसिपल को हम फी मान लेंगे, लेकिन हमें रेट नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले जो कंडीशन दिया जा रहा है कि 7 सालों में वो 2 गुना हो जा रहा है, उसको लगाकर हम यहाँ से रेट को निकालेंगे। तो हमें पता है कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस क्या होता है हमारा इंटरेस्ट होता है। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं प्रिंसिपल 1 + r × t, प्रिंसिपल गुने 1 + r × 2, यानी पी क्या हो गया आपका, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्रिंसिपल हो जाएगा प्लस में क्या हो जाएगा p × r × t/100 है। आप 100 भी लगा सकते हैं, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपने यह देखा होगा, तो जब वहाँ पे हमारा रेट परसेंटेज में दिया जाता है, जब आप यहाँ पे 100 नहीं लगाएगा तो हमारा क्या होगा आपका ये रेट अब परसेंटेज में रहेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे 100 नहीं भी लगा सकते हैं और लगा भी सकते हैं। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ पे हम रेट को इसी तरह आर लिखते हैं। तो ये यहाँ से हम पी कॉमन लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फॉर्मूला, पी इंटू वन प्लस आर इंटू टी। तो आपने पढ़ा होगा अमाउंट इक्वल टू होता है पी इंटू वन प्लस आर इंटू टी, यानी अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू सॉरी प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो अमाउंट है वो कितना 7 सालों में दोगुना हो जा रहा है, यानी 2 इंटू पी हो जा रहा है, और प्रिंसिपल हमारा पहले से पी है, तो 1 प्लस आर हमें कितना है नहीं पता है, और टी हमें पता है 7 सालों में ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो पी से आपका पी कट गया और 1 इधर से आ जाएगा, तो चलिए एक बार लिख देते हैं 2 इक्वल टू 1 प्लस 7 इंटू आर। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो गया, यहाँ से हमारा 2 में से 1 गया तो कितना हो गया 1 हो गया, और इक्वल टू हो गया किसके 7 इंटू आर के। यहाँ से आर का वैल्यू कितना निकल गया 1/7 निकल गया। ठीक है, क्या निकल गया 1/7 निकल गया। ठीक है, अब चलिए हमें क्वेश्चन से पूछा जा रहा है कि कितना समय के बाद, कितने ईयर के बाद वो जो अमाउंट होगा वो 4 गुना हो जाएगा, यानी अब हमारा अमाउंट कितना हो चुका है, अब हमारा अमाउंट हो चुका है 4 गुना, यानी 4 इंटू पी इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस। रेट हमें अब पता है 1/7, लेकिन अभी हमें टाइम नहीं पता है, तो इस बार क्या करेंगे हम टाइम निकाल लेंगे, वही हमें यहाँ पूछा जा रहा है। तो पी से आपका पी कट गया, 4 में से 1 गया तो 3 हो गया, इक्वल टू 1/7 इंटू टी हो गया, तो टी इक्वल टू कितना हो गया आपका 21 ईयर, कितना हो गया 21 ईयर आपका समय हो गया, यानी 21 साल के बाद उसका जो प्रिंसिपल होगा यानी उसका जो अमाउंट होगा वो 4 गुना हो गया होगा, यानी उसका जो कह सकते हैं कि जो उसका मूलधन होगा वो कितना 4 गुना हो गया होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी 21 साल के बाद। तो इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ पे सिंपली अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल गुने 1 प्लस, आपने पढ़ा होगा कि अमाउंट इक्वल टू क्या होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी गुने आर गुने टी बटे 100, यही होता है। तो आप यहाँ पे 100 यूज नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप अगर यूज कर भी लेते हैं, अगर थोड़ी देर के मान लेते हैं आपने, अगर एक सेकेंड चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को दिखेगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा जा रहा है कि 2 ट्रेन्स ऑफ लेंथ 190 मीटर एंड 210 मीटर, 2 ट्रेन है जिनके लेंथ कितना है 190 मीटर है और कितना है आपका, और दूसरा ट्रेन है जिनका लेंथ कितना है आपका 210 मीटर। ठीक है, फिर लिखा जा रहा है कि आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, यानी एक इधर चल रहा होगा तो दूसरा इधर चल रहा होगा, और साथ ही साथ किस है पैरेलल ट्रैक पे चल रहे हैं, जो ट्रैक होगा वो इस प्रकार से होगा, एक ऐसे चल रहा होगा और एक ऐसे चल रहा होगा, पैरेलल ट्रैक है। ठीक है, फिर साथ में लिखा जा रहा है आगे कि इफ देयर स्पीड आर 40 किलोमीटर पर आवर एंड 32 किलोमीटर पर आवर, एक का स्पीड 40 है 40 किलोमीटर पर आवर, और अदर का स्पीड कितना आपका है आपका 32 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, देन इन व्हाट टाइम विल दे क्रॉस ईच अदर, तो कितने समय के बाद क्या होंगे वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को हम, तो देखिएगा सिंपल, टाइम इक्वल टू होता है हमारा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, जो कि क्या होगा आपका रिलेटिव स्पीड होगा, यहाँ पे एस रिलेटिव होगा और डिस्टेंस भी क्या होगा आपका रिलेटिव होगा। अब देखिए क्रॉस ईच अदर का मतलब क्या होता है कि जब दोनों ट्रेन एक दूसरे के लेंथ को बराबरी से पूरा पूरा क्रॉस कर जाएंगे तब जाके कहा जाएगा कि वो क्या होंगे एक दूसरे को उन्होंने क्रॉस किया। ठीक है, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा यानी रिलेटिव डिस्टेंस जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो दोनों ट्रेन के लेंथ के बराबर होगा। और साथ ही साथ कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि दोनों ट्रेन के बीच का जो दूरी होता है वो भी आपको दिया जाता है, यानी कहने का मतलब एक ट्रेन यहाँ रहता है और दूसरा ट्रेन यहाँ रहता है, और दोनों के बीच का दूरी अगर मान लेते हैं 50 मीटर दिया जाता और इनका 190 मीटर है और इनका कितना है 210 मीटर है, तो इस कंडीशन में जो रिलेटिव डिस्टेंस हो जाता है वो इसका जोड़ेंगे इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, इन दोनों तीनों को जोड़ने के बाद जो डिस्टेंस हमारा आता है वही हमारा रिलेटिव डिस्टेंस हो जाता है, लेकिन बीच में यहाँ पे दूरी नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे जो रिलेटिव डिस्टेंस होगा वो सिंपल जो ट्रेन के लेंथ होंगे उनके बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जब तक दोनों ट्रेन आपस में पूरे लेंथ को दोनों अपने अपने लेंथ को जब तक कवर नहीं कर जाएगा तब तक हम कह नहीं सकते कि हमारा ट्रेन क्रॉस कर गया। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे इसका वैल्यू होगा अपॉन क्या होगा स्पीड, रिलेटिव स्पीड कितना होगा आपका 72। कैसे होगा, दोनों डिस्टेंस हमारे ट्रेन जो है वो आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी वी रिलेटिव वो किसके बराबर होगा आपका 40 प्लस आपका कितना है 32, कितना है 32, तो ये किसके बराबर हो जाएगा आपका 72 किलोमीटर पर आवर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगा, जब भी ट्रेन आपके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे एक दूसरे के तो हमारा रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है हमारा ऐड हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम इस 72 को सिर्फ नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि 72 जो है हमारे वो किलोमीटर पर आवर में है लेकिन हमारा जो डिस्टेंस है वो मीटर में दिया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इस 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको बताया था कि 5/18 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितने टाइम्स कटेगा, ये आपका 4 टाइम्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपका 5/20, ऊपर का वैल्यू कितना होगा, ऊपर का वैल्यू होगा हमारा 190 प्लस 200, यानी आपका ये हो जाएगा 200, यानी 400 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा 5/20 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 400/20, हमने क्या किया यहाँ पे किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया, ये आपका 2 टाइम्स कर जाएगा, कितना हो जाएगा आपका ये 2 टाइम्स नहीं 20 टाइम्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 20 सेकंड, क्या हो जाएगा 20 सेकंड, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से क्या करेंगे इन क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो चलिए रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।